हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से वृद्ध व युवती की दर्दनाक मौत। खेत में काम करते समय हुई यह घटना। वृद्ध रामदरस को बचाने पहुंची युवती प्रियंका की मौके पर ही हुई मौत। मामला जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का है, जहां गर्भ के बाहर वाले रास्ते पर छुट्टा जानवरों से खेत को बचाने के लिए बने तारों की बाड़ पर हाईटेंशन तार गिर गया और प्रातःकाल अपने खेत में पहुंचे 70 वर्षीय राम दशरथ यादव उक्त तार की चपेट में आकर गिर गए और तड़पने लगे। इस बीच कक्षा 11 की छात्रा प्रियंका पुत्री ओम प्रकाश की नजर गाँव के बुजुर्ग पर पड़ी तो वो मदद के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत इसका भी इंतजार कर रही है। देखते ही देखते हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बुजुर्ग व छात्रा की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ये 11,000 वोल्ट की कोई तार थी, वो टूट के गिर गई और इन्होंने अपने खेत के चारों तरफ तार लगाए हुए थे जिससे टच हो गया। टच होने से पहले से रामदरस यादव पुत्र पदारथ यादव जिनकी उम्र 65 वर्ष है की मृत हो गई और उन्हीं को बचाने के लिए एक दूसरी लड़की जो बगल में काम कर रही थी देख रही थी प्रियंका चौरसिया पुत्री प्रेम प्रकाश जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है उसको बचाने के लिए गई और उसी की चपेट में आ गई। दोनों की मृत हो गई। फिलहाल विद्युत कटवा दिया गया है और तार को सही करने के लिए कह दिया गया है और इसमें जो है आपको विद्युत विभाग द्वारा 5-5 लाख रुपये की मुआवजा की धनराशि मिलेगी जिसे यथाशीघ्र